सो गाइज आज हम करने वाले हैं एयरटेल फाइबर वर्सेस बीएसएनएल फाइबर, दोनों का मैं आप लोगों को स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कौन सा फाइबर सबसे ज्यादा बेस्ट है और कौन सा फाइबर आप लोगों को लगाना चाहिए, एयरटेल फाइबर या फिर बीएसएनएल फाइबर। तो सबसे पहले हम आप लोग को एयरटेल फाइबर का कनेक्शन प्राइस बताते हैं। अगर आप लोग एयरटेल फाइबर को लगाना चाहते हो तो आप लोग को 2800 रुपये देना पड़ेगा, उसमें आप लोग को 3 महीने का जो रिचार्ज हुआ फ्री मिलेगा 100 Mbps का। तो अभी मैं आप लोग को इसका स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग इसको मोबाइल पर कनेक्ट करोगे तो आप लोग को कितना स्पीड मिलेगा। तो एयरटेल फाइबर को जो स्पीड है आप लोग को 50 से 40 Mbps देने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं बीएसएनएल फाइबर के बारे में। अगर आप लोग बीएसएनएल फाइबर लगाओगे तो आप लोगों को 3500 रुपये देना पड़ेगा और उसमें आप लोगों को सिर्फ 1 महीने फ्री मिलेंगे, मतलब 3 महीने एयरटेल फाइबर में मिल रहा था लेकिन उसमें 1 महीना फ्री मिलेगा। और इसका जो स्पीड है वो मैं आप लोग को दिखा रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो बीएसएनएल फाइबर का जो स्पीड है आप लोग को 90 से 80 Mbps देने को मिल जाएंगे। तो दोनों फाइबर में से कौन सा फाइबर आप लोग को सबसे ज्यादा बेस्ट लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप लोग को एयरटेल फाइबर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा तो आप लोग कमेंट में #एयरटेल फाइबर कर देना, और अगर आप लोग को बीएसएनएल फाइबर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा तो कमेंट में #बीएसएनएल कर देना। मेरे को तो भाई एयरटेल फाइबर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा क्योंकि इसका जो प्राइस है सिर्फ 2800 रुपये में आपको 3 महीने मिल रहे हैं और बीएसएनएल फाइबर पे 3500 रुपये में सिर्फ 1 महीने। तो देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो एयरटेल फाइबर सबसे ज्यादा बेस्ट है।